साल 2020 जैसा नाम वैसा ही काम किया, जैसे एक 2020 मैच में उतार चढ़ाव आते हैं, टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं, थ्रिल्स एंड फंस आते हैं, वैसे ही इसी साल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए। जहाँ एक तरफ लोगों ने जॉब्स खोई, अपनों को खोया, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने स्टॉक मार्केट, गोल्ड और सिल्वर में जमकर कमाया। जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद हो गए, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस ने धूम मचा दी। जहाँ एक तरफ हताशा, निराशा और डिप्रेशन था, वहीं दूसरी तरफ लोगों में कुछ नया करने का उन्माद था। जहाँ एक तरफ लॉकडाउन ने काफ़ी सारी नौकरियां छीन ली, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने अपनों के साथ बिताने के लिए भरपूर टाइम दिया। और इस साल ने हमको सिखा दिया कि इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कुदरत के आगे बड़ा ही छोटा है। बड़े बड़े एडवांस देश जैसे US, UK, इटली, उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए कोरोना के सामने, वो भी नहीं लड़ पा रहे थे। और ये चीज़ सिग्नल है कि कुदरत सबसे आगे और सबसे बड़ी। तो काफ़ी सारी लर्निंग्स दी है इस साल ने हमें, और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी लर्निंग्स जिनको आप 2021 में अपना के अपने लिए 2021 बड़ा ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशन अ मैजिकल राइड, लेट्स बिगिन द मैजिक। ट्वेंटी ट्वेंटी में हमने एक चीज़ बड़ी अच्छे से सीख ली, और वो ये है कि जो इंसान का सबसे बड़ा सेवियर है, जो इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ है, वो उसकी हेल्थ है। जी हाँ, इम्यूनिटी नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा 2020 में, और वो इम्यूनिटी थी जिसने आपको और हमें कोरोना से बचाया। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो कोरोना से आज भी बचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये टाइम है, दिस इज़ द आई ओपनर, कि हमें बाकी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, और हेल्थ पे ध्यान देना बड़ा ही आसान है। रोज़ आधा घंटा सिर्फ आपको निकालना है। आप उसमें वॉकिंग करें या जॉगिंग करें, जिमिंग करें या योगा करें, वो आपके ऊपर है। बस एक आधा घंटा दिन का आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में दीजिए, एंड आई एम श्योर 2021 विल बी योर ईयर। जो दूसरी चीज़ इस 2020 ने हमें सिखाई वो ये है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जी हाँ, आप जितना नया सीखेंगे, जितनी नई चीज़ें सीखेंगे, उससे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी अर्निंग की। अलग अलग चीज़ें सीखने से आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, और कुछ आने से, जो नॉलेज पाने से हम में जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो शायद किसी में नहीं होता। आपने देखा है ना, जब KBC चलता है कौन बनेगा करोड़पति, और आपको अगर कोई सवाल का जवाब आता है तो कैसे आपका सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं नॉलेज इटसेल्फ इज़ मोटिवेशन। नॉलेज अपने आप में मोटिवेशन है। जहाँ इस साल लोगों ने काफ़ी सारी जॉब्स खोई, वहीं उनमें से कुछ लोगों ने कुछ नया सोच के, कुछ नया सीख के अपने लिए एक नए बिजनेस का निर्माण किया, और काफ़ी खुश हैं वो एक नए बिजनेस को लेके। जहाँ पहले ट्रेडिशनल केक्स चलते थे, वहाँ पिनाटा केक्स आ गए हैं। जहाँ पहले स्कूल में जाके बच्चे पढ़ाई करते थे, तो अब ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं, अब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो वैसे ही चेंज इज़ मैंडेटरी, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है परिवर्तन संसार का नियम है। तो एक नई चीज़ सीखिए, वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। वो ड्राइंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई नई स्किल सीखना हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या यूट्यूब पे चैनल बनाना हो सकता है। कुछ नया सीखिए, बिकॉज जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सो डू स्टार्ट नाउ और एक नई चीज़ सीखिए। जो तीसरी चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। कहते हैं अगर एक 5 लोगों का इंटेलिजेंट ग्रुप है जिसमें सारे के सारे इंटेलिजेंट है, और अगर आप उस ग्रुप के साथ बैठते हैं तो छठा इंसान जो इंटेलिजेंट होगा वो आप होंगे,
और वैसे ही होता है, अगर आप पांच मूर्खों के बीच में बैठते हैं तो जो छठा मूर्ख होगा वो आप होंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, तो उस टाइम नहीं है वाले फंडे को बिल्कुल फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि जो अरबों खरबों का काम कर रहे हैं, जो अरबों खरबों के बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी भगवान ने 24 आवर्स ही दिए हैं और वो सेम 24 आवर्स आपके पास भी हैं। तो टाइम नहीं है वाले कॉन्सेप्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, खुद पे काम कीजिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आई डोंट वाली जो नेगेटिव थिंकिंग है उसे अपने दिमाग से मिटा के फेंक दीजिए, एंड आई एम श्योर दिस विल ग्रेजुअली एंड स्लोली मेक चेंजेस इन यू। आपको वो सारे चेंजेस अपने में फील होंगे जो आपने आज तक फील नहीं किए हैं। तो 2020 ने एक बड़ा सबक सिखाया है हमें, और इन सबक को सीख के आप अपना 2021 और भी बेहतर और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो गाइस, फोर्थ पॉइंट है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। जी हाँ, आस्था और विश्वास दो ऐसे पिलर्स हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बड़े बड़े भवसागर पार कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे भवसागर का मीन्स ये नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पे भवसागर का मतलब है कि आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सारे के सारे आप पार कर सकते हैं विश्वास और आस्था के दम पे। जी हाँ, आस्था और विश्वास, इन दो पिलर्स में वो शक्ति है जो दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर विश्वास करो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर विश्वास ना करो तो खुली हुई चट्टान है। तो विश्वास कीजिए और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। सुबह को 15-20 मिनट अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपने गुरु को, जिसमें आप भी मानते हैं, उनको थैंक यू कीजिए। कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट थिंग। ग्रेटिट्यूड होना, किसी को थैंकफुल होना, किसी को शुक्रिया अदा करना बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब आप भगवान को थैंक यू कहोगे, जब आप उनको कहोगे कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही बेहतर ज़िंदगी दी है और कामना करता हूँ आगे वाली ज़िंदगी और बेहतरीन होगी, तो यकीन मानिए जादू हो जाएगा जादू, और आपकी लाइफ पहले से और बेहतरीन होती हुई जाएगी। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, एक नई चीज़ सीखिए और बहानेबाजी करना छोड़ दीजिए। और ये चार चीज़ें अगर आपने कर ली तो योर 2021 विल बी अ रॉकिंग 2021। ज़बरदस्त रहेगा ये साल, और काफ़ी सारी खुशियाँ और काफ़ी सारी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो मैं जय कुमार कामना करता हूँ कि आप सबका ये नया साल 2021 बहुत ही बेहतरीन जाए, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा जाए, और आपने जो प्यार और जो सपोर्ट 2020 में हमारी चैनल को दिखाया, वही प्यार और सपोर्ट आप 2021 में भी दिखाएंगे। तो मैं जय कुमार साइनिंग आउट नाउ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस नए साल में उस लाल बटन से प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद। और हाँ, सोचते रहिए, मोटिवेशन अ मैजिकल राइड। हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस 2021 अहेड।